वाइजर जो है यूनिक वाइजर है, केरला से मंगाया हमने। मंदिर का व्यू तो आप देख ही सकते हो, इंद्रनाग मंदिर। तो यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है गाइस। फ्रूट लगा हुआ है कोई। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम सभी घूमने जा रहे हैं, तो ब्लॉग में बने रहें गाइस। आज हम आपको धर्मशाला की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये वाइजर जो है यूनिक वाइजर है, केरला से मंगाया हमने। सच में? अच्छा अच्छा, पर्पल वाइजर। इंद्रनाग लेकर जा रहे हैं आज, सावन के महीने में इंद्रनाग। हम सभी फ्रेंड्स इकट्ठे हो गए हैं, ये देखिए। तो गाइस ये सभी हमारे फ्रेंड्स हैं। तो गाइस सभी जो लड़के हैं अपाचे बाइक की लेकर जा रहे हैं, तो हम भी निकलते हैं। गाइस अभी हम कांगड़ा बस स्टैंड पहुंच चुके हैं। तो गाइस अभी हम मटोर चौक से निकल चुके हैं। यहां से हम बगली रोड के लिए टर्न ले लेंगे और यहीं से बीचों बीच सुक्कड़ मसरेड़ वाले रास्ते से जा रहे हैं। तो गाइस यहां से फिर हम लेफ्ट साइड की ओर टर्न ले लेंगे और थोड़ा सा आगे चलने के बाद फिर से हम ऊपर वाली तरफ टर्न ले लेंगे। तो गाइज अभी हम मौली में पहुंचे हैं, जहां पर पीजी कॉलेज भी है। तो गाइज जहां से हमने टर्न लिया था ऊपर की ओर, तो वहां खनियारा पड़ता है और ऊपर जहां हम जा रहे हैं वहां खनियारा। तो खनियारा और खनियारा में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो अभी हम जा रहे हैं खनियारा की तरफ, जहां है इंद्रनाग जी का मंदिर। तो गाइज आप सामने देख सकते हो, आपको गेट दिख रहा होगा, यह गंजर महादेव जी टेम्पल है। वापस आकर हम यहाँ जाएंगे। तो गाइज अभी हम इंद्रनाग मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो थोड़ा सा नज़दीक रह गया है मंदिर। देखिए गाइज ये ऊपर रहा इंद्रनाग मंदिर, आप पीछे देख सकते हैं इंद्रनाग मंदिर का व्यू। और सामने आपको बताते हैं, पिछली बार यहाँ बादल फटा हुआ था तो ये नाला था, आप देख सकते हो। यहाँ से जो मंदिर का नीचे गेट था वो भी बह गया था जब पिछली बार यहाँ बादल फटा था। तो और ये देखिए, अभी मैं ये छोटी सी जो पुली है इसको पार करने वाला हूँ और सामने आपको बताता हूँ। यहाँ पर अंकल जो हैं, ये जो स्लेट होते हैं घर के, ये बना रहे हैं।
ये देखिए तो गाइस यहाँ पर अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो जो नाला है ये सीधा पहाड़ों से आ रहा है। तो गाइस इस बागडोर की दुनिया में थोड़ा हमें इन वादियों में भी घूम लेना चाहिए। नेचुरल वाटर है ऊपर से। तो गाइस यहाँ पर ज़रा भी गंदगी नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल पहाड़ से आ रहा है पानी। अभी जो लड़के हमारे साथ आए थे वो रास्ता भूल गए हैं। तो गाइस अभी उनका वेट कर रहे हैं हम, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। यहाँ पर तो लोकेशन भी नहीं भेजी जा सकती है। एक पहुँच चुका है और दूसरा भी उसके पीछे। तो सभी लड़के पहुंच चुके हैं। अभी हम मंदिर में जाएंगे, आपको वहां का व्यू दिखाते हैं। तो गाइस मैंने माथा टेक लिया है और ये लड़के भी माथा टेक रहे हैं। तो मैं बाहर से आपको यहां का व्यू दिखाता हूं। गाइस यहाँ इंद्रुनाग का मंदिर है, बारिश के देवता हैं इंद्रुनाग जी। तो गाइस यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा व्यू है। और अभी हम मंदिर में हैं, का व्यू तो आप देख ही सकते हो, इंद्रुनाग मंदिर। और अभी हम यहाँ पर माथा टेक चुके हैं और थोड़ी देर के बाद हम आगे आपको लेकर जाएंगे पहाड़ों पर। एक और मंदिर है वहाँ पर ऊंची पहाड़ी पर, तो आपको भी वहाँ पर लेकर चलेंगे। गाइस मोनू से मिलिए। और ये ऋषभ है और ये सभी लड़के जो है फोटो खिंचवा रहे हैं, देख सकते हैं। और ये मिलिए गाइस, इनको भी पहाड़ों पर घूमने का बहुत शौक है। और जब ये बोल देते हैं कि पहाड़ों पर घूमने चलना है तो मैं इनके साथ तैयार हो जाता हूँ घूमने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर पहाड़ों में घूमना। और मेन बात तो यह है कि हमने इंद्रुनाग मंदिर में भी माथा टेका। पहले हमने सुना ही था यहाँ से हम नज़दीक से निकल जाते थे लेकिन माथा नहीं टेकते थे, लेकिन आज हम यहाँ पर माथा टेकने आ गए। मंदिर की तरफ नहीं आए थे, यहाँ हम अभी यहाँ से जा रहे हैं मंदिर से। तो आपको आगे मिलते हैं गाइस। तो गाइस अभी हम मंदिर से नीचे आ चुके हैं गाइस, तो आप देख सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं ये खनियारा में एक बहुत ही अच्छा ग्राउंड है। देखिए कितनी सुंदर वादियाँ हैं, कितनी अच्छी जगह में आज हम आए हुए हैं घूमने। पहाड़ों पर आ चुके हैं।
हम भटकते हुए यहाँ पर पहुँच गए हैं, लेकिन हमें जगह का पता नहीं है। हमारी गैंग के एक बंदा भाग गया यहाँ, तो ऊपर जाके पूछना पड़ेगा कि ये कौन सी जगह है। चलो मैं आपको बताता हूँ ये कौन सी जगह है। बंगोटू, इस जगह का नाम है बंगोटू। तो यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है गाइस। अभी हम आपको आगे लेकर चलते हैं, व्यू दिखाते हैं यहाँ का। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ कोहरा ही कोहरा पड़ा हुआ है। फ्रूट लगा हुआ है कोई, तो हमारे यहाँ तो इसको कैंथ बोलते हैं, लेकिन ये जंगल में है, यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसको हम खा नहीं सकते, जहरीला ना हो कहीं। पेड़ों पे कैंथ के फल लगे हुए हैं, हमारे यहाँ तो इसको खाते भी हैं, लेकिन ये यहाँ पर लगे हुए हैं तो इसका कोई पता नहीं है कि ये जहरीले भी हो सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं गाइस। तो आपको टावर दिख रहे हैं ना, यहाँ पर जाएंगे हम, यहाँ पर मंदिर है, तो अभी हम इस मंदिर में जाएंगे।